हेलो दोस्तों, आज के इस मॉर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे 5 पाउंड सीरीज सी नोट के बारे में। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने 10 शिलिंग नोट्स के बारे में जानकारी दी थी। आपको वो वीडियो चाहिए तो आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। अब चलते हैं इस नोट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस नोट को दोस्तों पहली बार छापा गया था 21 फरवरी 1963 को और ये नोट डीमोनेटाइज हो गया था दोस्तों 31 अगस्त 1973 को। और इस नोट का कलर है दोस्तों ब्लू और इस नोट का साइज है दोस्तों 140 mm × 85 mm। दोस्तों ये तीन कैशियरों ने, इनको चीफ कैशियरों ने नोट को जारी किया गया था। उनमें तीन कैशियरों के नाम हम जानते हैं बारी बारी से। इनमें है जेकू होलम, इनका कार्यकाल था 1963 से 1966 तक। दूसरे के चीफ कैशियर थे जे एस फोर्ड, इनका कार्यकाल था 1966 से 1970 तक। तीसरे के चीफ कैशियर थे इनका जे बी पेज, इनका 1970 से 1971 तक इनके कार्यकाल में नोट छपे गए थे। और दोस्तों इस नोट के हम जानते हैं बारीकी। दोस्तों पिछले नोट के मुकाबले इस नोट में काफ़ी चेंज किया गया है। इस नोट का साइज भी काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस नोट के देखो राइट साइड में कॉर्नर में इंटरनेशनल अंक में 5 लिखा हुआ है, उसी के नीचे क्वीन इजिलाबेथ सेकंड इनकी पोर्ट्रेट दी गई है, उसी के नीचे सीरियल नंबर दिया हुआ है। पीछे में सेंट्रल में नोट में देखेंगे तो इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड जो लिखा हुआ है वो काफ़ी बड़े अक्षरों में नोट पे पूरे नोट को कवर कर रहा है। लगभग पिछले नोट में ये बिल्कुल नोट के बराबर बीच में था। उसी के नीचे देखिए प्रॉमिस जो वचन दिया गया था पिछले नोट में कैसे लिखा था, इस नोट में कैसे लिखा है, इस नोट में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। बीच में 5 pounds लिखा गया है, उसकी फॉन्ट भी चेंज कर दी है पिछले नोट के मुकाबले। उसी के नीचे फिर आधा वचन बचा हुआ लिखा है, उसी के नीचे चीफ कैशियर जे बी कॉलम के सिग्नेचर हैं। और ऊपर देखेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर में सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसी के नीचे इंग्लिश में 5 pounds लिखा हुआ है दोस्तों इंटरनेशनल अंक में। अब चलते हैं दोस्तों इस नोट के बैक साइड में। दोस्तों इस नोट में भी काफ़ी चेंज आ गया है। इंटरनेशनल अंक में 5 राइट साइड कॉर्नर ऊपर में लिखा हुआ है, उसी के नीचे तो एक डिज़ाइन सा दिया हुआ है। बीच में सेंट्रल में देखिए आप इस नोट के 5 pounds इंग्लिश में लिखा हुआ है। 5 का फॉन्ट अलग है और पाउंड्स का भी फॉन्ट अलग है लगभग। दोस्तों बीच में सेंटर में देखिए जो महिला योद्धा ब्रिटानिया है, पिछले नोट की तरह सेम बिल्कुल है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन दिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड के लोगों को वो सर्कल में था, और इसका जो डिज़ाइन है वो फूल का एक डिज़ाइन है उसमें दिखाया गया है। उसी के नीचे बैंक ऑफ इंग्लैंड दोबारा लिखा गया है। और देखिए नोट्स के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में नीचे इंटरनेशनल अंक में 5 लिखा हुआ है। दोस्तों इस नोट की प्राइस है लगभग 1000 से 5000 रुपए तक। दोस्तों इस नोट की प्राइस डिपेंड करती है नोट की कंडीशन पर और मार्केट में डिमांड क्या है इस पर निर्भर करती है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।